Bismillahirrahmanirrahim. ये हमारे पास आज जो है वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की पहली वीडियो है एंड वी आर गोइंग टू टीच यू द बेसिक्स ऑफ CRO जो हम कैलिब्रेट करते हैं और हमारे पहले प्रैक्टिकल लैब की उसका जो था सर ये हमारे पास CRO है. पहले तो नॉब्स देख लें जो हमारे पास टॉप लेफ्ट पे है. ये हमारे पास एक तो इंटेंसिटी की नॉब है, एक फोकसिंग की नॉब. इसकी रीजन के भी जब CRO ऑन होती है तो आपको मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं. फिर हमारे पास यहाँ पर पावर है इसको ऑन ऑफ. यहाँ पर हमारे पास ये और ये अपेयर हो गई. फिर ये हमारे पास जो है एक्स और वाई डिफ्लेक्शन प्लेट को ऑन ऑफ करने के लिए फिर बटन है. फिर हमारे पास यहाँ पर हम आ जाते हैं दो चैनल हमारे पास इस CRO में हैं. एक चैनल तो है चैनल वन, चैनल टू ये लेबल है. इसको आप ये होता है कि आप कोई भी चैनल अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसके साथ आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको जो है शिफ्ट करना पड़ेगा इधर टू चैनल वन और टू चैनल टू. इसको क्योंकि हमने चैनल वन पे लगाई हुई है नॉट अपनी सॉरी टॉप तो हमने इसको चैनल वन पे ऊपर शिफ्ट किया हुआ है वर्टिकल. इसे वर्टिकल के लिए होता है. टाइम रेंज यहाँ पर आप जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का स्केलिंग जो है आप यहाँ पर करें. एक बात याद रखें कि जो आपकी CRO है इसमें आप सिर्फ स्केलिंग चेंज करते हैं फ्रिक्वेंसी आपको आपका बिल्ट इन फंक्शन जनरेटर दे रहा होता है. और इसका जो बिल्ट इन फंक्शन जनरेटर है हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज में आते हैं लेकिन जो इस वक्त हमारे पास CRO है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ. ये हमारे पास 2 वोल्ट पीक टू पीक देगा वर्टिकल एक्सेस पे और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 1 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है. तो ये अब मैं स्टॉप को यहाँ सेट करता हूँ. कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने इसको जो है सबसे पहले अपनी जो वर्टिकल नॉब है इसको सेट करना है. कोई भी आप वोल्टेज रख सकते हैं. दूसरा ये है आप अगर इसको इंक्रीज कर देंगे तो अब आप डिस्प्ले देखेंगे कि ग्राफ से बाहर जा रहा है. हमने उस तरह से नॉब को एडजस्ट करना है कि जो आपका डिस्प्ले है वो विद इन द रेंज आपके पास आ जाए और जो कैलकुलेटर कैलकुलेशन की रेंज के अंदर आ जाए. ये आपके पास आ गया व्यू. और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटेंसिटी की क्या डिफरेंस आ रहा है. ये आप देख रहे हैं कितनी इंटेंस कितनी ब्राइट होकर चीज़ आपको नजर आए आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये एडजस्ट कर लिया आपने यहाँ तक कि आपको जो है सही प्रॉपर व्यू आ जाए. यहाँ पर आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं. फोकस का भी यही है. फोकस की भी डिमनेस और शार्पनेस होता है इमेज यानी कि जो रेजोल्यूशन है फोकस से वो बढ़ चुका है. ये आप देख स्क्रीन पर अगर फोकस करते ये मैं फोकस को बढ़ा रहा हूँ और कम कर रहा हूँ तो इससे ये आपको दोनों मिला दी. अब मैं आपको वो ट्रिगर बटन दिखाता हूँ. ये देखो अब ये ट्रिगर बटन क्या है कि एक्स वाई जो आपकी प्लेट्स हैं CRO के अंदर जो आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि दो प्लेट्स होती हैं जो आपको वेरी करवाती हैं. अगर वो आप यहाँ से ऑफ कर देते हो तो जहाँ पर स्ट्रेट इलेक्ट्रॉन बीम आ रही होती है वहीं पर फोकस होकर दिखती है. सिंपल इज दैट. और ये फिर वेव फॉर्म शो नहीं करता. ये सिंपल इलेक्ट्रॉन बीम जिस दो पॉइंट्स पे यहाँ पर फोकस हो रही है जिस तरह से फोकस हो रही है कॉल कर रही है इसे उसको फोकस करके आपको शो कर रहा है. इसको फिर मैं ऑन कर देता हूँ तो ये आपके पास जो है दोबारा भी करना पड़ेगा. अब हमारे पास कैलिब्रेशन हमने इस तरह से की कि हमने एडजस्ट किया इसकी टोटल वेव फॉर्म को. इसमें अब आप ये कर सकते हैं कि ट्रिगर लेवल से आप जो है इसकी जो है स्पीड स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. इसमें आपको मूविंग मिलेगी लेकिन अगर आप इसको ट्रिगर लेवल को कम कर दें तो ये आपको स्टेबल में मिलेगी. तो जब भी आपकी ये जो वेव फॉर्म है ये स्पीड में मूव कर रही हो तो यू शुड गो फॉर द ट्रिगर लेवल. अपने होल्ड ऑफ के लिए जाएं या अपने वेरिएशन स्वीप की तरफ. ये आपके VAR स्वीप के नाम से यहाँ पर नॉब है. फिर हम आते हैं टाइम डिवीजन की तरफ. टाइम डिवीजन हमने जो है ये हमें स्केलिंग देती है. ये अब ये देखिए हम इसको जो है बढ़ाते जा रहे हैं उतनी कम ज़्यादा वेव जो है हमारे पास एक लिमिटेड जो इसके अंदर आ रही है ग्रिड के अंदर. अगर हम इसको यहाँ पर ये हमने बढ़ा दिया अब कम वेव मतलब इसमें आएंगी लेकिन ये कि हमारे पास क्योंकि ये सेपरेटेड ज़्यादा होंगी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. तो कोशिश करें कि एक अप्रोप्रिएट एक ऑप्टिमम जो है वो आप यहाँ पर टाइम डिविजन रखें जिससे आपको कैलकुलेशन में आसान. अब ये हमने और बढ़ा दिया तो और जो है अब सिंगल वेव आपके पास यहाँ से यहाँ तक ठीक है. ये एक स्क्वायर वेव है. प्लस मैं आपको एक चीज़ बताना इसमें भूल गया हूँ कि जो इसका बिल्ट इन फंक्शन जनरेटर है उसकी 2 वोल्ट पीक टू पीक यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे और आपकी प्लस जो
जो वेव फॉर्म है वो स्क्वायर वेव देगा, ये आपको कभी भी साइनोसॉइडल या कोई और वेव नहीं देगा। वन किलो हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जी हमने इसमें जो एडजस्ट किया हुआ, ये 0.5 वोल्ट पर डिवीजन पे हमने इसकी एडजस्ट की हुई है। वर्टिकल स्केलिंग यानी कि जो हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर है वो हमारे पास 0.5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं इसकी वर्टिकल पोजीशन सेट करता हूँ। ये मैंने वर्टिकल पोजीशन सेट की तो हमारे पास क्या आ गया, 0.5 1 ऊपर और 1 ही नीचे सेंट्रल एक्सिस है। तो क्या हो रहा है कि 1 और 1 2 पीक टू पीक वोल्टेज हमारे पास इन नेट आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा फंक्शन जनरेटर है और जो हमारी सीआरओ है ये सिंक्रोनाइज हैं, प्लस ये कि ये एक्यूरेटली काम कर रही है सीआरओ हमारे पास। फिर हम इधर से फ्रीक्वेंसी किस तरह से मेयर करेंगे, जब हमने इधर से एडजस्ट किया, अब यहाँ पर आप ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है इसके थ्रू आप अपनी वेव एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी वेव फॉर्म है, ये आपने एडजस्ट कर दिया। अब आप देखें कि आपने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ था कि 0.1 वोल्ट टाइम डिवीजन के लिए, तो यहाँ सर अब आप देखें कि एक जो डिवीजन है आपकी 0.1 मिली सेकेंड आपके पास है। तो जितनी यहाँ पर आपका टाइम होगा उसको आप वन, वो जो आपके पास है कि एफ इजिकल टू 1/T, तो एक वेव का जो टाइम पीरियड है उससे आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जो एरर हम लोगों ने पहली लैब में कैलकुलेट किया था, एरर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास ये डिफरेंस आएगा, सपोज इसमें तो डिफरेंस नहीं आ रहा, लेट सपोज कि ये थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी नीचे आ जाती है हमारे पास पीक टू पीक, तो हम इसकी किस तरह से एरर कैलकुलेट करते हैं कि जो ऊपर वैल्यू है जो एक्चुअल यानी कि यहाँ से 2 वोल्ट पीक टू पीक दे रहा है फंक्शन जनरेटर, लेकिन ये शो कम या ज़्यादा कर रहा है, तो वो और इसका डिफरेंस जो ओरिजिनल का निकाल के टोटल जो ओरिजिनल है मल्टीप्लाई बाय 100%, तो वो आपका परसेंटेज एरर आएगा। तो ये हमारे पास एरर कैलकुलेशन है। फ्रीक्वेंसी का भी इसी तरह से करते हैं, उसके लिए हमें जो है वो साथ में फंक्शन जनरेटर और उसकी अटैचमेंट जरूरी है। तो जो फ्रीक्वेंसी का मैं आपको बताता हूँ, ओके, फ्रीक्वेंसी का ये है कि जो हमारे पास इसकी 1 किलो हर्ट्ज़ का बिल्ट इन फंक्शन जनरेटर है, तो जो टाइम पीरियड हमने यहाँ पर सेट किया होगा 1/T, वो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी जो शो कर रहा है ये स्क्रीन पे। तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो 1 किलो हर्ट्ज़ है, जो ये शो कर रहा होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो जो डिफरेंस होगा तो हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाएगा, दैट डिफरेंस डिवाइडेड बाई 1 किलो हर्ट्ज़ इनटू 100% आपके पास जो है इसका परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इसका परसेंटेज एरर इन वोल्टेज यानी कि वर्टिकल एक्सिस का और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का आप किसी भी वेव फॉर्म के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी जो बेसिक सीआरओ की थी, हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था, हमने उसमें ये